दो चार दिनों मुझे डिलीवरी करानी पड़ेगी। ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे नीचे टच करना है। बादल भाई को पता ही है, बहुत खतरनाक पहलवान दिख रहा है मुझे। भाई ये लड़का कुछ करेगा। मुझे कल एडमिट होना पड़ेगा, डिलीवरी परसों हो जाएगी। आगे गुरु नहीं बना रहा कि भाई मैं फिट नहीं हूँ। तू क्यों डर रहा? फिट है लड़की। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि। नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हमारे ब्लॉग में आपको दिखने वाले हैं इंडियन हल्क बादल। तो बादल भाई स्पेशली दिल्ली से आए। सबसे पहले तो क्या जिम चेक की इन्होंने, छोटी सी बात में बड़ी सी बात बोलो जिम के बारे में। जिम बहुत बेहतरीन बना है, मैं इतना कह सकता हूँ कि छोटे से प्लेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। और ये बहुत जरूरी भी है इनके लिए स्पेशली, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी फैन फॉलोइंग है उस हिसाब से कई लोग फ्री में प्रमोट हो जाते हैं पहली बात तो। दूसरी बात, जो प्रमोट होते हैं उनको एहसास नहीं होता कि यार बंदा फ्री में प्रमोट हो रहा हूँ, और वो उल्टा आके कहेगा यार भाई थोड़ा इधर हो जा, थोड़ा इधर हो जा। तो इसके लिए बहुत अच्छा इन्होंने किया कि अपना स्पेस अपना खुद का है इनके पास, पूरी बिल्डिंग ही इनकी है भाई। इन्होंने पूरा बहुत माल कमा लिया इन्होंने 7-8 साल में। तो मैं ये सबसे पहले जो चीज कमाई हमने प्यार कमाया। तो बादल भाई अभी वर्कआउट कौन सा कर रहे हैं? वर्कआउट आज चेस्ट का करेंगे, चेस्ट ट्राइसेप्स जी दोनों करेंगे। चेस का करेंगे आज, चेस और ट्राइसेप्स करेंगे आज, बस उतार देंगे इनकी ढंग से। आज खिला के लाया हूँ इनको अच्छा माल। चेस वर्कआउट के लिए आपको सबसे पहले, जब भी आप चेस वर्कआउट करें, बॉडी का कोई सा भी वर्कआउट करें, आपको वार्म अप करना है 10 से 15 मिनट। जो वार्म अप इन्होंने कर लिया अभी, मेन क्या है, अभी हम ट्राइसेप्स कर रहे हैं। एंड जब आप चेस का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा आपका लोड जो आता है आपकी चेस्ट और आपका ट्राइसेप्स में आता है। तो सबसे पहले आप ट्राइसेप्स का वार्म अप करें, जैसे किक बैक किया वार्म अप हो गया। इसके अलावा भी अगर आप नहीं, अगर बॉडी आपका रिजल्ट वो कर रही है, आपका रिएक्ट कर रही है, तो आप पुली पुश डाउन मार सकते हो ट्राइसेप्स को। थोड़ा सा और लोड देने के बाद आप पुशअप्स से स्टार्ट करोगे, पुशअप्स के 3 से 4 सेट। ये भी आपका एक्सरसाइज ही है, इसको आप ये मत सोचे कि वार्म अप है, यहां से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। बट ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके चेस्ट को बता देगी कि भाई इस पे लोड पड़ने वाला है। हम पुशअप से स्टार्ट करेंगे। तो पायल का दिल नहीं लग रहा था ऊपर, आज इसकी बहुत तबीयत खराब है, तो ये ऊपर आ गई है। और अब इसको मेरी बात सही लग रही है, इसने बोला था कि आप ठीक बोले थे कि 2-4 दिनों मुझे डिलीवरी करानी पड़ेगी। और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने इसको ऊपर बुलाया कि वहाँ आराम से चेयर पे बैठ जाएगी, थोड़ी सी बाहर की हवा थोड़ी अच्छा रहेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा ना। जूस पीना? नहीं नहीं कुछ नहीं पीना। तो आज से 7 साल पहले एनी टाइम फिटनेस में मैं फ्रीलांसिंग का काम करता था, तो उस समय मेरा खुद का जिम नहीं होता था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो पायल और उस टाइम हम लोग सोशल मीडिया पे भी नहीं थे, नहीं थे तब से मैं बाल पे अपना बढ़िया गोलू शुरुआत से फिटनेस पे। हाँ। और गोलू और इनका ज्यादा ध्यान रहता था उस टाइम, चीकू छोटा था। हाँ। फिर उसके बाद ये शिफ्ट हो गए, चंडीगढ़ आ गए, मैं दिल्ली रह गया, अपनी अपनी लाइफ में सब सेट हो गए। तो काफी साल के बाद, 7 साल के बाद मैं इन लोगों से। बादल भाई ये बताओ पहले, हमारी टीम सारे कितने जने, सारे कितने लोग हमारी टीम में, बाहर वाले जुड़ते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसको आप मोहल्ला घोषित कर दो, मोहल्ला घोषित कर दो। ये टीम नहीं है, पूरा जिला है, 28 लोग हैं यहाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो अभी बादल भाई चेक कर रहे हैं मशीन, बताएंगे उनसे, पूछो कैसी मशीन। ये जो पोजीशन है ना आपकी, इस तरीके से आनी चाहिए ऐसे, यहाँ पे नीचे टच करना है, पूरा ऊपर लेके जाना है इसको। तो ऊपर लेके जा रहा हो तो चेस्ट को टाइट करना, यहाँ पर नीचे लेके आ रहा हो तो यहाँ पर टच करना है। कई लोग आधा मारते हैं, वो आधा जो होता है पावर लिफ्टिंग के लिए होता है, उसका अलग फंडा है, वो आधा नहीं करना आपने। चलिए आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आज आपकी जिम नहीं होएगी चीकू? क्यों? सुबह स्कूल जाना है आपको। मम्मा थोड़ी देर होएगी। नहीं होएगी, नहीं होएगी, नीचे जाओ। और जबरदस्त तो अभी बादल भाई हमारी स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, और बादल भाई को पता ही है कि मैंने सबकी स्ट्रेंथ बनवा रखी है। 12 से 15 रेपिटेशन आपके निकलने चाहिए। आप टोनिंग पे काम करो या मसल बिल्डिंग पे काम करो, मसल एकदम कैसे बिल्ड नहीं होता। मसल बिल्ड करने के लिए आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको नेचुरली काफी मेहनत करनी पड़ती है। आ जाओ। ओके, तो गाइज ये मैं अभी फैले, इनकी मुझे मालूम नहीं है इनकी बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, मैं स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेंथ आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले इनको मैं देख रहा हूँ कि इनका मसल्स कहाँ पर फेल होता है। जहाँ पे मसल्स फेल होता है वहाँ से बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होती है। मैं आपको बता दूँ, कई बार पहले ही बोला, फिर से बोलता हूँ कि जहाँ पे मसल्स फेल होता है, अब आपको समझ में नहीं आता कि मसल्स फेल एक्चुअली होता कहाँ पर है, मैं बताता हूँ। देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा और ऊपर, और ऊपर ऊपर ऊपर, यस और ऊपर आओ, नहीं और ऊपर आओ, यस अब ठीक है। चलिए 3 4 1 चलिए 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 ये अब मसल फेल हो रहा है, देखो ये मसल फेल हो रहा है, यहाँ से 3 रेपिटेशन और निकालने होते हैं। चलिए 1 यस ये है, ये लास्ट के जो 3 रैप 4 रैप है इसी से मसल बिल्ड होता है। ये फेलियर है। अभी 20-20 का टोटल लगा है, 20-40 किलो टोटल 60 किलो वेट है ये। 60 किलो में हम इंक्रीज कर सकते हैं, 70 तक जा सकते हैं। 70 से 12 से 15 रेपिटेशन आएंगे, दैट्स इट, इनफ है। ये हमारे पहलवान है, अभी बहुत जल्दी है सुमो रेसलर के लिए तैयारी चल रही है इनकी अभी, तो अभी इनका हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। इन्होंने हमें चैलेंज किया, हमारा स्ट्रेंथ चेक करो। 5-5 किलो के डंबल लिए भाई, लड़कियां नहीं उठा पाती, लड़के नहीं उठा पाती, बहुत खतरनाक पहलवान दिख रहा है मुझे। चलो वेरी गुड, 1 ओ माय गॉड, 2 3 यार अल्टीमेट है भाई बच्चा ये, 3 4 कम ऑन, 5 ओ माय गॉड, 6 ओ माय गॉड, 7 8 9 भाई ये लड़का कुछ करेगा, सीरियसली आज मैं बोल के जा रहा हूँ अरमान भाई, ये लड़का कुछ करेगा लाइफ में। बस हो गया बेटा, बस है, बहुत कुछ कर रहा है भाभी। तब वहाँ जिम कर रहा है, आप यहाँ से ट्रेनिंग दे रहे हो क्या? भैया यहीं से ट्रेनिंग दे सकती हूँ, मेरी सांसें बड़ी फूल रही है और मुझे लग रहा है मुझे कल एडमिट होना पड़ेगा, डिलीवरी परसों हो जाएगी ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी। ओ भाई ये लड़का क्या खतरनाक है। नहीं भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी, मुझे डर लग रही है। ओ माय गॉड, इसने एक्सरसाइज का झूला बना रखा है इस लड़के ने। टुमोर रिलैक्स, इजी है रिलैक्स, वेट 4 7 पूरा टच करो, नीचे 9 10 कम ऑन, टू मोर कम ऑन, यस वन मोर रिलैक्स। बिल्डिंग का एक प्रोसेस है, जैसे आपने लास्ट के 3-4 रेपिटेशन लगाए, तो जब हम नेचुरल मसल बिल्डिंग करते हैं तो सबसे अच्छा फंडा है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम हाई रहना चाहिए। मेटाबॉलिक सिस्टम हाई कब होगा? अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो, अच्छा वर्कआउट जैसे आप कर रहे हो अभी, तो ये अच्छा वर्कआउट है, ये आपका 24 घंटे तक मेटाबॉलिक सिस्टम को हाई रखेगा। अभी अगर अच्छा कार्डियो आप करते हो 40 मिनट अराउंड, तो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को एटलीस्ट 6-8 घंटा आपको हाई रखेगा। मेटाबॉलिक सिस्टम हाई रहने का मतलब है कि आपको भूख अच्छी लगेगी, आपकी बॉडी में फैट नहीं पकड़ेगा, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट रहेगा, कैलोरीज बर्न होगी और आपको भूख लगेगी, तो आप जो भी प्रोटीन डाइट इंटेक करते हो आपकी डायरेक्ट मसल्स में जाएगा। तो गाइस कहने का मतलब ये है, जो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो आपके लिए बनाई जा रही है, यानी तो हम डेली ब्लॉगिंग भी कर सकते थे और बाद में स्पेशली दिल्ली से आए हैं और भी बहुत सारे एथलीट जो हमारे इंडिया से हैं, तो हम चाहेंगे हर किसी के साथ कोलैब करें, सबसे मिलें जुलें और जो भी है फिटनेस को लेके ज्ञान आप तक पहुंचाएं कि आप फिट रहें और हिट रहें। सही सर, बिल्कुल। ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, एक मैं बताता हूँ गर्ल्स के लिए, HIIT ट्रेनिंग करनी चाहिए इनको। HIIT ट्रेनिंग क्या है, कार्डियो भी होगा उसमें, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मिस हो जाएगी। अगर इफ यू डोंट हैव इक्विपमेंट, इफ यू डोंट हैव लाइक फ्री वेट आल्सो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम आल्सो, राइट, अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो HIIT ट्रेनिंग में 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, पहले तो जंपिंग जैक, ठीक है, इसके आपने 30 रेपिटेशन निकालो, ठीक है, उसके बाद स्पॉट ट्रेनिंग, ये आपने कम से कम अराउंड 40-50 तक आप काउंट करो उसमें, तब तक करो। और लास्ट का जो है ये है आपका बर्फीस, कहते हैं इसको बर्फीस। सबसे पहले आपने ऊपर उछलना है, ठीक है, उसके बाद नीचे बैठना है, फिर आपने आगे जाना है, पैर को पीछे फेंकना है, पुश अप्स मारना है, ऊपर आना है, फिर आगे, फिर उसके बाद फिर ऊपर बर्फीस। सबसे पहले कूदो आप ऊपर, सीधा नीचे जाओ, स्क्वाट मारो, 3 स्क्वाट, यस, आगे आगे, यस, गुरु भी बनाना है, अच्छा स्पेस देते हैं, 1 मिनट तो बर्फ ही देख रहे हैं दोबारा कैसे होगी। चलो अभी मेरे एक्चुअली मेरा जींस पहना हुआ तो मैं जींस में कर नहीं सकता, फिर भी आई विल ट्राई, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर जाना है स्क्वाट, ठीक है, उसके बाद आगे गए, पैर पीछे, पुशअप्स, ऊपर ऐसे, फिर ऊपर, यस परफेक्ट, यस। चलो यार ये देख रही है, ये देख रही है, 1 ये अक्सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता, पता होने के बावजूद भी कई बार गलती करते हैं। अभी ये 7-8 साल से वर्कआउट कर रहे हैं, इनको मालूम है कैसे करना है, बट प्रॉब्लम क्या है कि भूल जाता है बंदा, कई बार ध्यान नहीं देता, हम भी गलती कर देते हैं। तो आपने इस पोस्ट देखो, हम किस चीज के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, इंक्लाइंट है ये, फ्लाई है, ऊपर ले जाओ, चेस्ट को टाइट रखना है, नीचे ये पोस्चर आना चाहिए आपका, चेस्ट टाइट हो जानी चाहिए एकदम से, कमर को ऊपर उठाना नहीं है, नहीं तो ये फिर आपके जो है फ्लैट पर चला जाएगा। इसको ऐसे रखना है, चेस्ट को खोलना है पूरा, इनहेल, ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे रखना है इस पोस्चर को। इससे एक तो आपके एल्बो पर लोड नहीं आएगा, आपके मसल्स उसमें बाइसेप्स पर लोड नहीं आएगा, दूसरा आपके चेस्ट पर लोड आ रहा है, तीसरा जो है आप रेपिटेशन ज्यादा कर सकते हो, हैवी वेट लिफ्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे, ठीक है, जट दे डोलिया च जान है, वन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एक बार में पकड़ लेते हो आप, 2, क्योंकि माइंड बहुत तेज है आपका, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं बहुतों को समझाता हूँ लेकिन हर कोई नहीं पकड़ पाता इसको, 4 कमान, 5 चलो 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 कमान,
सिक्स, चार सेट है इसके। चले 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 चलो चलो चलो, कितने हुए? सात। ओके बहुत बढ़िया, अभी फील आ रहा है? यस। एट, यहाँ पर आ रहा होगा सीधा। ये कम ऑन, चार और निकाल लें। यस इजी। चलो टू मोर, बहुत लाइट वेट है। चलो वन मोर, परफेक्ट। राइट, लाइक्स ऊपर ले जाना, ठीक है? नीचे लाते समय यहाँ पर रखना है इसको, ऐसे बस। जाट दे डोलिया च जान है जान। थ्री फोर फाइव, यहाँ रखना है इसको, ऐसे नहीं करना, ठीक है? चलो सिक्स, अब ठीक है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। सेवन। तो भैया, तो हमारी छोटी बहन ये कह रही है कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, तो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ ये फिट है या नहीं है, और आप भी देख सकते हो, अगर टेस्ट फेल हुआ तो मैं बता दूंगा फिट नहीं है, नहीं तो फिट है, ठीक है भैया? ओके ओके, देखना चाहते हैं। मैं निष्ठा को समझाऊंगा और निष्ठा को चेक करके बताइए फिट है या नहीं, ठीक है? सिखा रहा हूँ ना, हम पहले निष्ठा को देखें। निष्ठा अपना ये आपके उसमें आ रहा है क्योंकि आपका अर्थिंग कर रहा है। तू क्यों डर रहा है? चप्पल पहनो चप्पल। तो निष्ठा को मैंने समझा दिया है, निष्ठा बताइए चेक करके फिट है या नहीं है, ठीक है? चलो आज जो चेक करने लगे, हाथ पकड़ा उधर वाला खड़ा। कितनी जल्दी आ रही है, कितनी फिट है लड़की। अगर ये घूमने नहीं आ पाती तो फिट नहीं है। गाइस देखो क्या है ना, वर्कआउट के साथ हंसी मजाक बहुत जरूरी है। बादल भाई ज्ञान दे रहे, बादल भाई ज्ञान दे रहे, अभी और हम हंसी मजाक कर रहे और वो बहुत जरूरी है। अभी वर्कआउट का ज्ञान मैंने इनको दिया, अब ये घुमाने का ज्ञान मुझे दे रहे कि घुमाना कैसे लड़की को, घुमाना कैसे लड़की को। ऐसे ऐसे एक ही बार घूमना है। टू वन थ्री। कोच साहब थोड़ी तारीफ तो करो, मेरी तारीफ तो करो, मेरी शोल्डर पे नहीं आ रहा ये। यस परफेक्ट। वन टू कम ऑन, जट दे डोलिया च जान। थ्री चलो, फोर फाइव चलो 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 चलो, इजी है। पसों नहीं लगेंगे बिल्कुल लगेंगे। चलो और निकलेंगे, बाहर निकलेंगे आराम से। चलो यस, कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ लगेंगे आराम से। चलो दो निकालो, दो निकालो, जट दे डोले च जान। राजपुर का पुलोवर, जाट दे डोले च जान। ये लो थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। छोड़ दो। तो गाइस वर्कआउट हो गया डन, बादल भाई ने कमाल का वर्कआउट करवाया है, और बस अभी डाइट आ जाती है, डाइट खा के बादल भाई दिल्ली की तरफ निकले। ये जाने नहीं दे रहे मुझे, इनको ये नहीं पता कि मैं 6 बजे के बाद कादर खान बन जाता हूँ। मुझे दिखाई नहीं देता, जैसी लाइट मेरी आंखों में पड़ती है मुझे सामने स्कूटर भी ट्रक दिखाई देता है, ट्रक स्कूटर दिखाई देता है, ऐसा ना हो मैं स्कूटर समझ के ट्रक के अंदर घुस जाऊँ। तो गाइस जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप कहीं के भी एथलीट हो, इंडिया के हो, बाहर के हो, तो बायो में मेरे मैनेजर धीरज गुप्ता की आईडी है, आप वहाँ पे मैसेज करके एनी टाइम कोलैब के लिए आ सकते हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि